सोच में सकारात्मकता लाएं, जीवन को बेहतर बनाएं। मनोदर्पण पर कॉल लगाएं, मनोबल अपना और बढ़ाएं। मनोदर्पण पर कॉल लगाएं, मनोबल अपना और बढ़ाएं। चलो आज ही प्रण ले हम, मानसिक स्वास्थ्य सुधारे हम। चलो आज ही प्रण ले हम, मानसिक स्वास्थ्य सुधारे हम। मनोदर्पण के काउंसलर से परामर्श पाने के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 8448440632। नंबर एक बार फिर सुने 8448440632। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल, चैनल नंबर 6 से 12, और आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं रेणु भट्ट अपने इस लाइव इंटरेक्शन में जिसका नाम है सहयोग। और आप सभी को हम बता दें सहयोग के बारे में बहुत ही संक्षेप में कुछ बातें साझा करना चाहेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि सहयोग और परिचर्चा सत्र हमारे शिक्षा मंत्रालय की बेहतरीन पहल मनोदर्पण के अंतर्गत आते हैं और ये आत्मनिर्भर भारत के तहत है, जहाँ पर पूरी कोशिश की जाती है जिसके द्वारा सभी बच्चों को, उनके अभिभावकों को और शिक्षकों को मनोसामाजिक मदद देने की। और इन सत्रों में हम बात करते हैं बच्चों के मेंटल वेलबींग पर, जो आज के समय में बहुत ज़रूरी है बात करना, चर्चा करना। आप सभी को हम बता दें कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। आज का हमारा विषय है फोस्टरिंग सोशो इमोशनल लर्निंग फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। तो क्या होता है सोशो इमोशनल लर्निंग और बच्चों के पूरे होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए क्यों बहुत ज़रूरी है, आज के सत्र में इस आपको डिटेल में बताया जाएगा। और इस विषय पर आपके साथ बातें करने के लिए, आपके साथ बातें साझा करने के लिए हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो बिना किसी देरी के चले आप सभी का परिचय करवाते हैं उनसे। आप हैं श्री सोनू सिंह कुशवाहा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं RIENCERT अजमेर से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। और हमारे साथ हमारे प्रैक्टिसिंग काउंसलर श्री नरेंद्र सिंह, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अपने सभी देखने वालों को हम बता दें कि यदि आप इस विषय से जुड़ा कोई भी प्रश्न आपके मन में आ रहा हो तो आप अपनी सभी बातें, अपने सभी प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है 8800440559, या फिर आप हमें ईमेल के ज़रिए भी अपनी बातें, अपनी प्रतिक्रियाएँ पहुँचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है sahyog.ncert@cit.nic.in। और हम आपको ये भी कहना चाहेंगे जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं कि यदि आप मनोदर्पण काउंसलर से बात करना चाहते हैं तो आप 8448440632 पर भी कॉल करके मनोदर्पण काउंसलर से बात कर सकते हैं। तो ये तो वो तमाम माध्यम रहे जिनसे आप हमसे जुड़ सकते हैं अपनी सभी बातों के साथ और अपनी शंकाओं के साथ। और हम इस सत्र की शुरुआत करते हैं। नरेंद्र सर हम आपके पास आएंगे और हम आपसे जानना चाहेंगे, जब हम बात करते हैं सोशो इमोशनल लर्निंग की तो इसका मतलब क्या होता है, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए क्यों ज़रूरी है, व्हाई इट्स सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट सर। नरेंद्र सर आई होप आई एम ऑडिबल टू यू, आपकी आवाज़ हमें नहीं आ रही है। अगर आप ने अपने आप को म्यूट रखा है तो प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट करें। मेरी आवाज़ आ रही है मैम आपको? जी सर। हाँ। तो आपसे प्रश्न किया है सर, आप प्लीज़ बताएं। जी मैं सोशो इमोशनल लर्निंग की डेफिनेशन से शुरुआत करना चाहूँगा। सोशो इमोशनल लर्निंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एसेंशियल स्किल्स लाइक सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल, इमोशनल रेगुलेशन, सोशल स्किल्स एंड एम्पैथी। ये जो वर्ड्स मैंने यूज़ किए ये बेसिकली साइकोलॉजिकल टर्म्स हैं। अगर हम इसको सरल भाषा में जाने तो बच्चे को इतना परिपक्व बना देना कि उसको कैसा स्वभाव कर अपना जीवन में लेके आना है, अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट करना है, दूसरों के स्वभाव को कैसे जानना है। और एक 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 करके मैं इन सब की डेफिनेशन बताता हूँ। जैसे मैंने जिक्र किया सेल्फ अवेयरनेस, तो सेल्फ अवेयरनेस बेसिकली एक ऐसी क्षमता है जिसके द्वारा बच्चा ये जानता है कि उसके इमोशंस कैसे हैं और दूसरों के इमोशंस उसको कैसे प्रभावित कर सकते हैं या उसके जो इमोशंस हैं दूसरे लोगों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। दूसरा आता है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसके द्वारा बच्चा जो है जो टेम्पटेशंस होते हैं या इम्पल्सिस जो होते हैं उसको वो कैसे कंट्रोल कर सकता है। जैसे कई कई बार ऐसा समय आता है कि बच्चा कुछ करने के लिए उसकी ललक होती है लेकिन वो हो सकता है कि वो कार्य करने से उसको अच्छा ना लगे या समाज में उसकी अच्छी बोलते हैं ना कि इज्जत ना बने, तो उसको उसको रोक रोक जाना जरूरी है। तो उसी को हम सेल्फ कंट्रोल बोलते हैं।
तीसरा आता है इमोशनल रेगुलेशन। इमोशनल रेगुलेशन बेसिकली एक ऐसा इमोशनल स्टेट है जिसके द्वारा बच्चा अपने जो स्वभाव है उसको रीथिंक करता है, या जो उसके जो थॉट्स आते हैं उसको एक विचार करता है कि ये जो दिमाग में जो आ रहा है, जो थॉट प्रोसेस आ रहा है, वो सही है कि गलत है। और इसके द्वारा ही जैसे उसके मन में कुछ एंग्जाइटी है या एग्रेशन है या एंगर है, उसके वो उसका बचाव कर सकता है, या उनसे वो अपने जो विजिबल बिहेवियर आता है जैसे गुस्सा करना है ना, किसी के अपने जो विजिबल जैसे फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, या जैसे माने कि अपना उसका जो अपीयरेंस है या जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें उसको दिखाई ना देना, उसको कैसे भी करके मिनिमाइज करना, उसी को अपन इमोशनल रेगुलेशन बोलते हैं। चौथा आता है सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स बेसिकली ऐसी एबिलिटीज हैं जो हम दूसरे अपने टीचर्स से या अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं या घर में जो माँ बाप है उनके द्वारा सीखते हैं कि कैसे इंटरेक्शन किया जाता है अपने पीयर से, अपने टीचर्स से, अपने एल्डर्स से, और अलग अलग सिचुएशंस में कैसे बात की जाती है। क्योंकि स्वभाव, भाषा और जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं वो आपके सिचुएशंस पर डिपेंड करते हैं कि आपको कौन सी परिस्थिति में कैसी बात करनी है। और पांचवा आता है एम्पैथी। एम्पैथी मतलब एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसके द्वारा एक आदमी दूसरे के भाव को जान के, जैसे मान लीजिए कि अगर एक बच्चा बहुत दुखी है तो उसके दुख में एम्पैथी और सिंपैथी दो प्रकार के होते हैं। तो एक अच्छा इमोशनल लर्निंग तभी माना जाएगा कि जब बच्चा है अपने अंदर एम्पैथेटिक स्किल्स को डेवलप कर पाए, दूसरों के दुखों में दुखी होकर उसको सहानुभूति देना ही एम्पैथी है। अगर ये चीजें बच्चा लेके आता है, अगर अपने जीवन में बच्चा सोशल इमोशनल लर्निंग लेके आता है, तो मैं मानता हूं कि वो अपने जीवन में जैसे अपने गोल्स को अचीव कर सकता है, और सोशली, एकेडमिकली और फाइनेंशियली वो बहुत ही आगे सक्सेस पा सकता है। क्योंकि आजकल हम मानते हैं कि बच्चा बोलना तो बहुत जल्दी सीखता है, आम भाषा में हम जाने या आम जीवन में जाने तो कि एक बच्चा 1.5 से 2 साल में बोलना सीख लेता है, लेकिन कैसे बोलना है, कितना बोलना है, किस हिसाब से बोलना है, ये सीखने में जीवन बीत जाता है। अगर ये बच्चा सीख जाए तो मैं मानता हूँ कि आगे उस अपने जीवन में काफ़ी सफलता पा सकता है। अब आपका जो सवाल था कि इसकी महत्वता क्या है या इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो इसका ऊपर हम माने तो एक जो इमोशनल वेलबींग है या जो उसका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो सोशल इमोशनल लर्निंग पे इम्पेक्टेड है। सबसे पहले जो इम्पेक्ट करता है वो उसके इमोशनल वेलबींग को इम्पेक्ट करता है। अगर बच्चा सोशल इमोशनल लर्निंग को सीखता है तो सबसे पहले वो अपना इमोशनल रेजिलेंस को डेवलप करता है, जिसके द्वारा वो जैसे स्ट्रेस हो गया, एंग्जाइटी हो गया जो उसके, या उसके लाइफ में जो चैलेंजेस हो गया उसको बोल्डली फेस कर सकता है। और दूसरा आता है सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स मतलब उसके द्वारा बच्चा अच्छा बोलना सीखता है, और किस हिसाब से बोलना है, किस तरीके से बोलना है, शब्दों का प्रयोग किस हिसाब से करना है वो भली भांति जानता है, और जैसे कोऑपरेशन पाना है या कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं, बीच बचाव करना, आपस में बात करना, बच्चों के बीच में अपनी बात को रखना, किस हिसाब से रखना वो अच्छे से जान जाता है। और चौथा आता है एकेडमिक सक्सेस। एकेडमिक सक्सेस मतलब अगर बच्चे का सोशल इमोशनल लर्निंग अच्छा है तो उसको पता है कि अपने भावों को कैसे कंट्रोल करना है, इससे उसके डिस्ट्रैक्शंस या अट्रैक्शंस या जो होते हैं ना भटका, वो कम रहता है, और फोकस होके वो पढ़ सकता है या काम में लीन हो सकता है। अगर फोकस रहेगा तो निश्चय है कि वो अपने एकेडमिक्स में सफलता पा लेगा। इसके आगे आता है रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। अगर बच्चे का सोशल इमोशनल लर्निंग अच्छा है तो जो इथिकल, जो बोलते हैं ना इथिक्स पे जीना, एथिक्स पे जीना उसे आता है, और जो रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग है, एक डिसीजन लेने में भी एक मर्यादा का या एक नियमों का पालन कैसे किया जाएगा, या ऐसे नियम या ऐसे काम करने से किसी को मन को ठोस ना पहुंचे, या एक बीच का रास्ता निकालना उसे भली भांति वो जान जाता है। अंतिम मैं जो जिसपे बात करना चाहूंगा वो है लॉन्ग टर्म सक्सेस। बड़ी सफलता या एक लंबे अपने जो एस्पिरेशन है या गोल्स हैं उनको कैसे अचीव किया जाए, अगर किसी बच्चे में अगर सोशल इमोशनल लर्निंग है तो मैं मानता हूँ कि वो जीवन में आने वाले सभी कठिनाइयों को या परिस्थितियों को भली भांति भांप लेता है, और उनमें जो सही डिसीजन है या जो सही रास्ता है उसको अपना लेता है, और अपनी पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ या जो उसका ओवरऑल वेलबींग है उस पर वो काफ़ी अच्छे से उसको कंट्रोल कर लेता है। मैं मानता हूँ कि अगर इंडियन स्कूल्स में, अगर सभी स्कूल्स में सोशल इमोशनल लर्निंग को इंटीग्रेट किया जाए तो बच्चा काफ़ी सफलता पा लेगा,
जो बच्चे की सोशल नीड्स हैं वो उसके होलिस्टिक राइट ग्रोथ को आगे लेके जाएंगे। जी, तो डेफिनेटली ये तो रही परिभाषा सोशल इमोशनल लर्निंग की कि क्या होता है वो और किस तरह से ये बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हम सोनू सर आपके पास आएंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि वो कुछ तरीके ऐसे ज़रूर होंगे जो बच्चों में डाले जा सकते हैं जिनके माध्यम से बच्चों में ये गुण आ सकता है, क्योंकि कई बच्चों में ये हो सकता है कि बाय बर्थ हो लेकिन काफ़ी बच्चों में हो सकता है कि ना हो, तो किस तरह से इसे अपनाया जा सकता है, पाया जा सकता है, हम आपसे जानना चाहेंगे सर। थैंक यू मैम फॉर द क्वेश्चन। यस मैम सर। एक्चुअली देखा जाए तो स्कूल जो है, कहा जाता है कि जो परिवार होता है वो पहला प्रथम विद्यालय होता है और बच्चे के लिए, और जो उसकी माता होती है वो प्रथम शिक्षिका होती है, प्रथम अध्यापक होती है। उसके बाद देखा जाए तो बच्चे जो है वो घर पर एक्टिविटीज जो भी सीखते हैं दैट इज द नॉर्मल वन, और वो इनफॉर्मल एजुकेशन होता है। और जब हम फॉर्मल की बात करते हैं तो वहाँ पे एक स्कूल का जो एक जहाँ पर हमारा फिक्स टाइम होता है, फिक्स मतलब हमारे पीरियड होते हैं, फिक्स टीचर्स होते हैं, वहाँ पर उनका इम्पोर्टेंस आ जाता है। तो देखा जाए तो एक तरह से स्कूल के टीचर्स जो है उनका मतलब कि एक अहम भूमिका हो जाती है ये सोशियो इमोशनल लर्निंग को इन्हांस करने में। जैसा कि वर्ड ही है सोशियो इमोशनल लर्निंग, एक बच्चे का इमोशनल लर्निंग को इन्हांस करना है वो भी सोसाइटी में। अब स्कूल जो है दैट इज ऑल्सो अ स्मॉल मिनिएचर ऑफ अ सोसाइटी, एक लघु समाज हम कहते हैं स्कूल को, जहाँ पर टीचर कुछ एक्टिविटीज करा करके या कुछ प्रोसीजर है उनको फॉलो करके बच्चे के अंदर जो है सोशल इमोशनल लर्निंग को इन्हांस करा सकता है। और उसमें सबसे पहला जो आएगा वो मैं मानता हूँ कि रोल प्ले होगा, जिसमें अध्यापक जो है उनको एक कंडीशन देगा, ठीक है, कि आपको इस कंडीशन में करना है। जैसे बच्चे ड्रामा प्ले करते हैं, नाटक प्ले करते हैं, ठीक है, उसमें एक पर्टिकुलर रोल दे देते हैं। अब यहाँ पर उनके इमोशन, जैसे कोई लड़का जो है वो एक गरीब मतलब कि बच्चे का वो रोल प्ले कर रहा है, इवन वो रिच है, बट उसे वो समझना पड़ेगा कि गरीब बच्चे की क्या फीलिंग्स होती है, और उसको वो वहाँ पर जब प्ले कर रहा होगा एज अ ड्रामा, वो ड्रामे के पार्ट में प्ले कर रहा होगा, तो उस उन चीज़ों को जो गरीब बच्चा मतलब फील कर रहा है उसको एक जो रिच बच्चा है वो भी उसको फील कर रहा होता है। और इन द सोसाइटी अभी ये सर ने बोला कि एक सेल्फ कंट्रोल भी दैट इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सोशियो इमोशनल लर्निंग, तो ये बच्चा जो है अपने आप कंट्रोल करना सीख जाता है। इवन वो जो उसका आर्टिफिशियल सिनेरियो जो होता है उसमें वो रोल प्ले के माध्यम से अपने आप को कंट्रोल कर सीखता है, तो वहाँ पर उसका सोशल इमोशनल जो लर्निंग है वो उसको इन्हांस करता है, उसको इस्टेब्लिश करता है। दूसरा मैं इसमें बोलना चाहूँगा कि जो टीचर स्कूल में करा सकता है वो है पीयर टीचिंग। अब पीयर की बात करें तो जी, यहाँ यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फोस्टरिंग सोशल इमोशनल लर्निंग फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इस टॉपिक पर, और आपके साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़े हैं जो आप सभी को बहुत ही अच्छी और बेहतरीन जानकारी दे रहे हैं, और आप अपनी बातें हम तक ज़रूर पहुंचाएं, और अपनी बातें आप पहुंचा सकते हैं फ़ोन कॉल के द्वारा। आप हमें कॉल कर सकते हैं 8800440559 पे। तो सो वी आर वेटिंग फॉर योर पार्टिसिपेशन। आप अपनी सभी क्वेरीज हम तक पहुंचाएं, और हम नरेंद्र सर यहाँ पर आपके पास आना चाहेंगे। हमने सोशल इमोशनल लर्निंग की और इस चीज़ की डेफिनेशन आपसे जानी, क्यों ज़रूरी है ये हमने जाना। हम सर से बात कर रहे थे वो कौन कौन से तरीके हैं, लेकिन किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से हम उनसे अब संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो हम आपके साथ ये चर्चा को आगे बढ़ाना चाहेंगे। जब हम बात करते हैं इस तरह की जो एजुकेशन है बच्चों में देने की, तो ऐसे में टीचर्स कैसे रोल पे अपना इम्पोर्टेंस दिखा सकते हैं? अगर क्लासरूम टीचिंग की बात की जाए तो किस तरह से वो इसमें एफर्ट डाल सकते हैं सर? नरेंद्र सर, हाँ मैम, मेरी आवाज़ आ रही है मैम आपको? हाँ प्लीज़ कंटिन्यू सर। मैम, ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा मैम आपने कि टीचर्स अपने स्कूल में एक सोशल इमोशनल लर्निंग को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो बच्चे का एक जिंदगी भर का सफर है, उसमें लगभग 20 साल अपना बच्चा जो है स्कूल में या कॉलेज में या एक स्कूल एकेडमिक बिल्डिंग में बिताता है, और उसमें से भी जो मैक्सिमम जो इंटरेक्शन है वो उसका एक टीचर से होता है, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे टीचर हो, चाहे उसका गुरु हो। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर स्कूल में अगर सोशल इमोशनल लर्निंग इंटीग्रेट करना है तो एक टीचर को ही एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि सुबह मॉर्निंग चेक इन होता है, उसी में बता दिया जाएगा कि बच्चा कैसा फील कर रहा है। जो फर्स्ट पीरियड आता है या जीरो पीरियड हम बोलते हैं, वो पीरियड हम बोल सकते हैं कि उसमें एक इमोशनल चेक इन या मॉर्निंग चेक इन बोल सकते हैं। उसमें बच्चा अपने जो भाव है उसके, चाहे वो वर्बली बोले चाहे नॉन वर्बल बोले, वो
उसमें जैसे वो कार्ड्स का यूज कर सकता है या कलर्स का यूज कर सकता है या इमोजीज का यूज कर सकता है और एक अच्छा स्पेस बना सकता है टू क्रिएट स्पेस फॉर सेल्फ अवेयरनेस एंड इमोशनल एक्सप्रेशन। जी स्कूल में हम एक ग्रुप वर्क या पीयर इंटरेक्शन भी रख सकते हैं, हम अब बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं कि आपस में ग्रुप डिस्कशन हो गया या एक क्लास टॉक हो गया, उसमें जो जनरल टॉपिक्स होंगे उसमें जो जो भी बात करने का जो तरीका है उसमें हम सोशल इमोशनल लर्निंग को बढ़ावा दे सकते हैं। और तीसरा है कि हम जो लेसन्स हैं उनको एक थीम दे सकते हैं, जैसे कि एक कंसेप्ट बना सकते हैं कि हमको जो लिटरेचर है या जो कैरेक्टर्स हैं या इमोशनल जो जो स्टोरीज होती हैं वो हम क्लास में अगर डेली बेसिस पे पढ़ाएं या एक जो अपना करिकुलम होता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग का जो करिकुलम है उसमें हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं कि पीरियोडिकली या फोर्टनाइटली या मंथली हम कितने लेसन्स या कितने पीरियड्स हम इसी को दें कि ताकि बच्चों में ये सोशल इमोशनल लर्निंग की भावना आए और बच्चे इसमें आगे बढ़ पाए। आगे है कि जैसे हम माइंडफुलनेस हो गया या रिलैक्सेशन हो गया, इसकी टेक्निक से बच्चों को बता सकते हैं। इससे भी बच्चों को क्या है कि जिसको बोलते हैं ना कि एक इमोशनल कंफर्ट या बोलते हैं ना कि इमोशनल स्टेबिलिटी आती है, बच्चों के जो विचार हैं या जो बच्चों का मेंटल स्टेबिलिटी है या इमोशनल स्टेबिलिटी है उसमें काफी बढ़ावा आता है। और आखिरी मैं बात करना चाहूंगा कि जो रिफ्लेक्टिव राइटिंग है उस पर जोर दिया जाए, क्योंकि रिफ्लेक्टिव राइटिंग में क्या होता है कि बच्चा जो अपने इमोशंस हैं या बिहेवियर है या जो इंटरेक्शन है दूसरे लोगों के साथ में उसमें वो हो सकता है कि वो एक दूसरे से बात ना कर पाए, लेकिन जो रिफ्लेक्टिव राइटिंग है वो खुद ही लिखेगा, जैसे अपनी जो डायरी राइटिंग हो गया या दिन के अंत में जो जो उसने अनुभव किया या जो जो चीजें उसने की उसमें से उसे कैसा अनुभव मिला या उसने कैसा फील किया वो चीजें वो डायरी में लिखेगा, तो उससे उसको काफी सेल्फ रिफ्लेक्शन मिलेगा, उसके बोलते हैं ना सोशल इमोशनल लर्निंग में उसमें काफी बढ़ावा मिलेगा। और आखिर में ये बोलना चाहूंगा कि अगर बच्चा इन चीजों में आगे बढ़ता है तो उसके जो एफर्ट्स हैं उसको प्रेज किया जाए, आउटकम्स को नहीं, अगर वो एफर्ट्स भी डाल रहा है तो उसको प्रेज किया जाए ताकि उसको एक मोटिवेशन मिले कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ और आगे वो बढ़ने की कोशिश करे। जी, तो ये तो वो बातें रहीं जो टीचर्स कह सकते हैं क्लासरूम में से इंटीग्रेट करने के लिए। यहाँ पर हम सोनू सर आपके पास आएंगे और आपसे जानना चाहेंगे पेरेंट्स के रोल के बारे में कि पेरेंट्स का रोल कितना इम्पोर्टेंट है, वो किस तरह से अपने बच्चों को हेल्प कर सकते हैं सर। हाँ जी मैम, जी एक्चुअली जैसे मैं पहले बोला कि जैसे जो फैमिली परिवार होता है वो बच्चे का एक पहला मतलब विद्यालय होता है, प्रथम विद्यालय होता है, और बच्चे जो है वो इमोशनली जो है अपने पेरेंट्स से अपने घर वालों से ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, अपने घर के परिवार सदस्यों से। तो उसमें परिवार सदस्य की अहम भूमिका हो जाती है इस इमोशनल डेवलपमेंट में बच्चे के। तो यहाँ पर कुछ स्ट्रेटजी को मेंशन करना चाहूँगा जो कि परिवार सदस्य कर सकते हैं बच्चे के सोशियो इमोशनल लर्निंग को इन्हांस करने के लिए। इसमें जो पहला है उनको टीचिंग एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट फॉर टुवर्ड्स द अदर्स। इसमें बच्चे को जो परिवार सदस्य हैं वो बच्चे को ये टीचिंग दे सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं कि हमें दूसरों को भी रिस्पेक्ट देना है, क्योंकि अगर बच्चे दूसरों को रिस्पेक्ट तभी देना स्टार्ट करता है जब वो उन्हें अनुभूति होती है, जब उनके उनको एम्पैथी होती है दूसरों के साथ, तो वो भी दूसरों को अपने जैसे समझते हैं। तो जो व्यवहार उनको खुद किसी दूसरे से खुद के लिए पसंद नहीं है वैसे व्यवहार वो नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये भावना जागृत होती है कि वो दूसरों की फीलिंग्स को समझ सकते हैं। दूसरा मैं बात करूँ तो दैट इज ओपन कम्युनिकेशन। तो जो पेरेंट्स हैं जो परिवार सदस्य होते हैं उनको बच्चों से अपने खुल करके इन बातों पर चर्चा करनी चाहिए, और उन्हें हमेशा, क्योंकि स्कूल में तो बच्चे जो हैं 6 से 8 घंटे रहते हैं, उसके बाद तो बाकी 16-17 घंटे बाकी चीज़ें वो अपने परिवार साथ रहते हैं, तो उन्हें एक मतलब पूरे टाइम जितना टाइम वो घर पर रहते हैं वो पूरे मतलब उनको देखभाल करनी चाहिए कि बच्चा कहाँ जा रहा है, किन से मिल रहा है, कैसे एक्टिविटी कर रहा है, नहीं कर रहा है। सो व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, हाउ टू टॉक, हाउ टू नॉट टॉक, व्हाट वर्ड्स दे हैव टू यूज, व्हाट दे हैव नॉट टू यूज, ओके, इन सब की शिक्षा उन्हें देनी चाहिए। और अगर वो ऐसा कुछ काम करते हैं जो कि अच्छा नहीं है ह्यूमन बींग के प्रति या दूसरे के प्रति, तो वहाँ पर उनको वो रोक सकते हैं, मना कर सकते हैं, एंड हाउ वो कैसे अपने आप सुधार सकते हैं, इनकी बात वहाँ पहुँच सकती है। तीसरा मैं बोलना चाहूँगा कि इंगेजिंग इन कम्युनिटी एंड सर्विस एक्टिविटीज़। तो हम देखते हैं कि जैसे अभी नवरात्र का टाइम चल रहा है तो लोग गरबा या बाकी ऐसे एक्टिविटीज़ के लिए जाते हैं, तो बच्चों को भी अपने साथ ले जाएं वहाँ पर, और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं दूसरों की फीलिंग से, वो डांस कर रहे हैं, वो नाच रहे हैं, या वो अपने मतलब कि जो भी उनकी इच्छाएं हैं वो अपने नृत्य के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। तो कभी कभी होता है कि हम दूसरों को देखते हैं, बोलते हैं क्या नाच रहे हैं, कितना नाचा, बहुत हुआ, ये चीज़ वो चीज़ है, तो ये सब उन्हें हम समझाएं।
ठीक है, कि उनकी अपनी फीलिंग्स है और वो चीज़ें, तो इस तरह से बच्चे में धीरे धीरे वो डेवलप होगा। हम ये नहीं कहते अचानक आ जाएगा, बट धीरे धीरे वो इन्हांस करेगा और एक स्टेप बाय स्टेप जो सीढ़ी दर सीढ़ी वो उनके अंदर वो विकसित होगी भावनाएं। चौथी मैं बात बोलना चाहूँगा कि इनकरेजिंग सेल्फ अवेयरनेस एंड रिफ्लेक्शन, कि बच्चा जो है खुद को जाने। हम यहाँ बात करेंगे स्वॉट एनालिसिस का, जहाँ पर हम स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी और ये थ्रेट की बात करते हैं, तो ये इसके थ्रू जो है बच्चा अपना एनालिसिस करेगा और साथ में दूसरों को अपने जगह पर रख करके एनालिसिस करेगा। तो हाँ, उसके साथ में फिर क्या होगा कि वो अच्छे से मतलब कि ये इमोशन अपने इमोशन को डेवलप कर पाएगा दूसरों के प्रति, और यहाँ पर उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो एक अच्छे मतलब कि सोसाइटी का निर्माण करने की तरफ अग्रसर होगा। तो ये कुछ है, और इसके अलावा जो है बाकी जो पेरेंट्स हैं, जो उनके परिवार सदस्य हैं, वो उनका और भी पूरी अच्छी तरह देखभाल कर सकते हैं, जिनमें बस उनको ये बच्चे को एहसास करवाना है कि जैसे हम हैं वैसे ही दूसरे हैं, हमें ऐसी बातें नहीं बोलनी है, ऐसा काम नहीं करना जिससे दूसरों को ठेस लगे, और हमेशा हम जब भी कुछ कर रहे होते हैं तो हमें ये देखना होता है कि वो दूसरों का पर्सपेक्टिव सही है कि नहीं है, और दूसरा कोई कर रहा है, जैसे दूसरा कोई काम कर रहा होता है तो हमें लगता है कि वो गलत है, ठीक है, ठीक वैसे जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो वो भी दूसरों पर्सपेक्टिव से, दूसरों के परिप्रेक्ष्य में वो गलत हो सकता है। तो ये सब मोटी मोटी बातें हैं जो कि अगर परिवार सदस्य मतलब ध्यान देते हैं तो डेफिनेटली जो है परिवार सदस्यों का भी एक अहम भूमिका हो जाएगी, जी अहम रोल निभा सकते हैं बच्चे के सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट में। जी तो सर, जब हम बच्चे की बात करते हैं, उनके डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो हमें पता है कि क्योंकि घर पहला स्कूल होता है, लेकिन जो दूसरा स्कूल होता है उसमें बच्चे अपना समय बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, तो वो भी उसके लिए उतना ही ज़रूरी है। तो टीचर्स और पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जाते जाते क्या कुछ ऐसी बात है जो आप एज अ कंक्लूजन हमारे सभी दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे, सोनू सर? जी हाँ मैम, एक्चुअली एक और पॉइंट इसमें है जो कि अगर हम स्कूल और ये बात करें परिवार की, तो दोनों को मिल करके, अकेले नहीं बल्कि दोनों को मिल करके जी बच्चे का जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट, क्योंकि वो स्कूल में जो कर रहा है वो पेरेंट्स को नहीं पता है, जो वो घर पर एक्टिविटीज़ कर रहा है, जो उसके बिहेवियर्स है वो मतलब कि टीचर्स को नहीं पता है, तो दोनों मिल करके एक साथ वो कर सकते हैं। टीचर जो है वो उनको एक और काम कर सकते हैं कि वर्किंग विथ कम्युनिटीज़, ठीक, कभी कभी टीचर जो है एक एज अ टूर या फिर एक छोटा सा एक पिकनिक प्लान कर सकते हैं जो कि 2, 4, 10 घंटे का, एक दिन भर का हो, जहाँ पर वो किसी सोसाइटी में ले जाके उनको वहाँ लोग कैसे बिहेव करते हैं, कैसे उनका नेचर है, उनका डेली लाइफ क्या है, वो उनको दिखा सकते हैं वहाँ पर। तो बच्चे के अंदर जो होगा वो एक डेवलपमेंट होगा दूसरों के समझने की, वो उसके अंदर सेंस आएगी, और साथ ही में वो अपने आप पर भी उसको लागू कर सकते हैं कि हम भी अगर ऐसे कर रहे होते तो दूसरों को वो सही लग रहा है कि सही नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से पेरेंट्स और टीचर्स दोनों को एकजुट होकर के मिल करके ये मतलब कदम उठाने पड़ेंगे, दोनों को मिल करके वो एक दूसरे के सहयोग से वो बच्चे का अच्छे से मतलब ये सोशियो इमोशनल लर्निंग डेवलपमेंट कर सकते हैं, इनहांस कर जी सकते हैं। जी तो ये तो वो तमाम चीज़ें रहीं जो पेरेंट्स कर सकते हैं, टीचर्स कर सकते हैं, मिल के भी कई बातें और कई चीज़ें हो सकती हैं। तो हम बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो किस तरह से सोशल इमोशनल लर्निंग्स उनमें डाली जा सकती हैं, और हमें जानकारी दे रहे थे हमारे दो विशेषज्ञ सोनू सिंह और हमारे सर नरेंद्र सिंह। और सर, यहाँ पर हम आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमसे जुड़े, आपने इतनी अच्छी और बहुमूल्य बातें हमारे सभी दर्शकों के साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर हम अपने सभी देखने वालों से कहेंगे कि अगर आपके मन में बच्चों कोई भी प्रश्न आ रहा हो, या जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, sahyog.ncert@cit.nic.in पर आप मेल करके अपनी सभी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचा सकते हैं। इससे पहले कि मैं ये सत्र यहाँ पर समाप्त करूँ, आपको हम बता दें कि हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं 8 बजे से। प्रातः 8 बजे हम आपके लिए लेकर आते हैं योग शक्ति का कार्यक्रम, और योग शक्ति में हम एक विषय पर बात करते हैं जो आपके लिए ज़रूरी है, और हम उसके बाद अपने कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रखते हैं। 12 बजे हम टीचिंग लर्निंग इंटरवेंशन फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम का सत्र आपके लिए लेकर आते हैं, जिसमें हम बात करते हैं समावेशी कक्षा की, और हम आपको अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर नज़र आ रहे हैं वो तमाम ऐसे विषय जो हम कल आपके लिए लेकर आने वाले हैं। 2 बजे से हम दोबारा आपसे मिलने आएंगे, और कक्षा 3 के बच्चों के लिए हम ये टॉपिक लेकर आने वाले हैं जो आपको नज़र आ रहा है अपनी स्क्रीन पर। उसके बाद 2:30 बजे का समय है इंग्लिश सब्जेक्ट का, और 3 बजे का समय है हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट, और 3:30 बजे उर्दू का सबक लेकर आएंगे हम। और इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएं तो हम 4 बजे का, यानी कि 4 से 5 का जो समय है वो है हमारा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का, और जिसमें हम बात कर रहे हैं
एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर 5 बजे के समय, जैसा कि आपको पता है, सहयोग सत्र का है, जिसमें हम बच्चों के मेंटल वेलबींग पे बात करते हैं, जो बच्चों को हर तरह के बच्चे, खासतौर पर एडोलेसेंस, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इन तमाम सत्रों में आप अपना साथ ज़रूर बनाए रखें। अभी फ़िलहाल मुझे रेणु भट्ट को मेरी पूरी टीम के साथ दें अनुमति। आप यूँ ही बने रहें हमारे साथ ए विद्या चैनल्स पर। नमस्कार। सोच में सकारात्मकता लाएं, जीवन को बेहतर बनाएं। मनोदर्पण पर कॉल लगाएं, मनोबल अपना और बढ़ाएं। मनोदर्पण पर कॉल लगाएं, मनोबल अपना और बढ़ाएं। चलो आज ही प्रण ले हम, मानसिक स्वास्थ्य सुधारे हम। चलो आज ही प्रण ले हम, मानसिक स्वास्थ्य सुधारे हम। मनोदर्पण के काउंसलर से परामर्श पाने के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 8448440632। नंबर एक बार फिर सुने 8448440632।